सर नोट कर लिया। ओके चलो, अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात आपको यह समझानी चाहिए कि एटॉमिक रेडियस ना कभी भी, जैसे आप ये बोल रहे हो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, उसके बीच के डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सही है। लेकिन क्या किसी ने कभी इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा ये यहाँ पे है? तो हम ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं जब भी एटम की रेडियस निकालते हैं तो कंबाइंड स्टेट में निकालते हैं बेटा। किसमें निकालते हैं अपन? कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में जब भी एटम की रेडियस निकालनी होती है तो हम कंबाइंड स्टेट में निकालते हैं कि दो एटम कैसे बने और इनके बीच के डिस्टेंस को अपन हाफ कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना, ये अच्छे अच्छे सवाल है, जेईई नीट सबके सवाल है, थोड़ा अच्छा लेवल कर रहे हैं अपन। तो एटॉमिक रेडियस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? कंबाइंड स्टेट। क्यों यार, अकेले में तो आप निकाल ही नहीं सकते ना भाई। इलेक्ट्रॉन को देखना तो मुश्किल है, पर पूरे न्यूक्लियस तो भारी होता है, उसको तो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है? अब देखो, कंबाइंड स्टेट की प्रॉपर्टी है तो ये दो एटम जिस भी फोर्स से कंबाइंड होंगे उतने ही तरह की रेडियस होती है। तो रेडियस देखो, जब मान लो आयोनिक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। तो कौन सी रेडियस डिफाइन होती है? आयोनिक रेडियस। जब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ये दो तो बता रखे हैं ना आपको मैंने। हाँ सर। यस तो कौन सर, सी रेडियस होती है? कोवेलेंट। जब इनके बीच में एक बॉन्ड है जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स में होता है, तो कौन सी रेडियस हो जाएगी? मेटालिक रेडियस। मेटालिक। और आपको पता है ना, नोबल गैस तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते, कंबाइंड ही नहीं होते, है ना? तो उस केस में जब आदमी कंबाइंड नहीं होता तो उसको अनकंबाइंड बोल सकते हो आप, अनकंबाइंड रहे वो। तो उस केस में मतलब दो नोबल गैस के एटम कंबाइंड नहीं करते, तो उस केस में डिफाइन करते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब दो एटम कंबाइंड नहीं हो रहे लेकिन वो फिर भी एक हल्के फोर्स से एक दूसरे से हल्का हल्का क्या रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे ग्रेफाइट मॉलिक्यूल्स। ग्रेफाइट की दो लेयर्स, बिल्कुल दो लेयर्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। सही बात है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी कौन सी रेडियस रहेगी? वंडरवाल, वीक है ना। उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद मेटेलिक, और सबसे एंड में आयोनिक। इसको भी लिखेंगे सब लोग। लिख लिया सर। ये समझ तो आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है ऊपर जा रहा है? नहीं सर, ये तो इजी टॉपिक इजी है ना। हाँ बस,
बस आपकी बुक में नहीं है। चलो तो अब बात करें हम आपसे, यदि रेडियस की अलोंग पीरियड, तो अभी आपको सिखाया अलोंग पीरियड क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। यस सर, है ना, अलोंग पीरियड आपने देखा कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, यस सर, तो आप खुद बताओ रेडियस क्यों नहीं चाहिए। रेडियस कम होनी चाहिए क्योंकि भाई फोर्स बढ़ रहा है। यस सर, तो श्रिंक हो जाएगा वो, एकदम सही है। दूसरा, अच्छा अलोंग ए ग्रुप, मेरा पेन क्यों खराब, क्या हो गया ये, अलोंग ए ग्रुप, देखो अलोंग ए ग्रुप क्या होता है, साइज ना इंक्रीज होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मान लो आप पहले एलिमेंट पे जाओगे किसी ग्रुप के, तो एक शेल होगी उसके अंदर। जब आप दूसरे एलिमेंट पे जाओगे ना, तो शेल क्या हो जाएगी, दूसरी शेल आ जाएगी। तीसरे एलिमेंट पे जाओगे तो क्या आ जाएगी, तीसरी शेल हो जाएगी। तो साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू सेल होता है। समझ आ रही है? यस सर। तो एक पीरियड के अलोंग जाने पे साइज छोटा इसलिए होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, नेट फोर्स इंक्रीज होता है। और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हो जाता है, न्यू शेल हो जाता है। क्लियर सबको, ये सब 11वीं में काम आएगा बेटा, अभी से समझ लो। आप 11वीं का ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। और आपको भी थोड़ा अभी तक आपको ना आपने रटा था ना कि भाई साइज बढ़ता है घटता है, उसका रीजन भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ, सही है? हाँ सर। लिख लिया सर। चलो अच्छा, अब आपसे बात करते हैं आयोनिक रेडियस की थोड़ा सा। तो दो तरह के होते हैं आयोनिक रेडियस, एक होती है कैटायोनिक रेडियस, दो तरह के आयन होते हैं, सही है? एक होता है कैटायन और एक होता है क्या, एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। अच्छा देखो एक बात इमेजिन करो कि अपने पास एक एटम है ना, जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका नाम है ए। अब आपने ए पॉजिटिव बनाया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप एक और आपने फिर मान लो ए टू प्लस बनाया तो क्या हो जाएगा, कम कर दिए, लेकिन प्रोटॉन तो फिक्स ही है। यस yes, सर yes, तो पहले देखो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, नेट फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा बढ़ेगा भाई, क्योंकि देखो प्रोटॉन तो फिक्स ही है, आप इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो। पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे, फिर 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे, फिर 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे, फिर 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे। तो खुद सोचो आप, सही है? तो एक स्टेटमेंट होता है क्या, कैटायन या कैटायोनिक रेडियस इज
स्मॉलर देन, सही है, न्यूट्रल एटम, सही है? Yes, अरे समझे नहीं समझे, मतलब मेरा कहना है A3 प्लस छोटा होगा A2 प्लस से और A से, और इसका रीजन क्या है? सॉरी यार, तो A3 प्लस छोटा होगा A2 से, समझ गए सब लोग? Yes, इसका रीजन क्या है? एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। यस सर। बोलो। हाँ सर। जैसे छोटे छोटे सवाल भी दे सकता हूँ मैं आपको, जैसे मैं बोलू यार एक Na प्लस है और एक Na है, कौन बड़ा होगा? Na। सही है, जैसे Al3 पॉजिटिव Al, जैसे Mg2 पॉजिटिव और Mg, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। लिखो कैटायनिक, फिर एनायनिक भी सिखाता हूँ। और सब खाना नहीं लाया क्या? है क्या खाना? क्या है? रोटी नहीं है? और क्या है उसके साथ? क्या देना है थोड़ा सा? मेरा तो 9 10 का तो आपको समझ में आता होगा। अरे तब पे ठीक नहीं, बच्चे भी सुन रहे हैं, अपना खाना मांग। हो जाए तो बताना यार। हो गया सर, तो रुक गए, आप खा रहे थे इसलिए। अभी तो खाना मांगा है, अभी तो मिला है ना। एनायनिक रेडियस, तो देखो मान लो आपके पास ए एटम है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने ए माइनस बनाया तो क्या होगा बोलो? यही होगा ना? हाँ सर। तो अब की बार फोर्स बढ़ेगा या घटेगा पर इलेक्ट्रॉन पे? घटेगा भाई। देखो पहले 10 प्रोटॉन को होल्ड कर रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? हाँ सर। अब 10 प्रोटॉन के तो 11 को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पर इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो तो कम हो जाएगा ना यार। यस सर। नहीं समझे? यस सर। सबको फील आ रही है? हाँ सर। हाँ यस सर। ऐसे लिख दूं, एनायन इज बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम, बोलो। मतलब बोलना चाहता हूं कि ए माइनस ना हमेशा ए से बड़ा रहेगा, तो एज जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। जैसे ओ टू नेगेटिव बड़ा रहेगा ओ से, एन थ्री नेगेटिव बड़ा रहेगा किससे? एन से। बोलो हाँ कि ना? यस सर। काम आएगा आपके कहीं ना कहीं तो जिंदगी में, अगले साल तो आ जाएगा कम से कम, और थोड़ी समझ भी बढ़ी रही है ना आपको यार, ठीक है? इतना सर सीबीएसई वाले भी दे सकते थे सर, इतना कोई हार्ड थोड़ी। हाँ पूरा चैप्टर 10th में आ सकता है क्या? पागल है सर, एक साल हमारा बर्बाद करते हैं। जो 11th का पहला चैप्टर है, कोई बड़ी तोप तो नहीं है।
आपके एनसीईआरटी में सीधा दे रखा है कि साइज बढ़ेगा या घटेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पढ़ाता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, बढ़े आगे। यस सर। वेट वेट वेट। अच्छा कृष्ण आया, आज बिजी होगा सर। कैसे गया होगा कहीं पे? तुम्हारे स्कूल खुल रहा है पता चला? सर कह तो रहे हैं कि 14 से तुम्हारे स्कूल खोल रहे हैं, कंसेंट लेटर के साथ अपने पेरेंट्स के साथ सिग्नेचर लेकर के सबमिट कर दो। मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया, नहीं जाना तेरे को। सर मैं तो 15 से जा रहा हूँ, 15 से प्री बोर्ड स्कूल में ही है। अच्छा सर, और हमारा तो प्री बोर्ड था, ऑफलाइन होने वाले थे, पुलिस वालों ने ऐसे पकड़ लिया और केस ठोक दिया कि आप स्कूल चला रहे हो। कैसे? अरे उनको ना 15-20 बच्चे एक साथ नोटबुक सबमिट करने गए, तो उनको ऐसे लगा कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस लेकर के पहुंच गए हम दोपहर में, और उसी दिन हम लोगों ने नोटबुक सबमिट करने गए थे, उसी दोपहर में वीडियो वायरल हो गया, मतलब पूरे स्कूल में वीडियो फैल चुकी है बच्चों के पास, सबको पता। तो पुलिस ने किसको पकड़ा, स्कूल को या उसको? नहीं नहीं चलान काट दिया ना स्कूल का। हाँ कितने रुपए का ये नहीं पता, वो वीडियो में ये साथ वॉइस साफ नहीं आ रही थी ना, तकरीबन मारा होगा सर 5,000 से तो ऊपर मारा। हाँ इतना तो मारे तो बहुत कम है 5,000 तो। चलो कोई बात नहीं, इसका है शारदा इंटरनेशनल, दी वर्ल्ड इज वेयर, नहीं दी वर्ल्ड इज हियर एंड वेयर आर यू, पर ये वो वाला नहीं है ना। हाँ तो सादा यूनिवर्सिटी है। चलो भाई बड़े आगे। यस सर आ जाओ, अब आपको एक नई चीज और पढ़ाते हैं आज, जिससे आपका मेटलिक फेटलिक करेक्टर वाला गेम खत्म हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखो है क्या, पहले समझो, न्यूक्लियस है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आपने बताया मुझे अभी कि सर इलेक्ट्रॉन पर एक नेट अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है जो कि जेड इफेक्टिव है, सही है? हाँ सर। जो कि भाई दो फोर्सेस का सम है, एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का सम है, लेकिन कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लग रहा है, मुझे इस फोर्स को तोड़ना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी बताओ? अरे फोर्स तोड़ना है तो क्या करें, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। हाँ तो वही एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है, इट इज दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम। अब गैसेस आइसोलेटेड एटम क्यों रखा बेटा, सॉलिड लूंगा तो बताओ एक न्यूक्लियस है दूसरा न्यूक्लियस है पास पास होंगे, तो हमें तो सिर्फ ये वाला फोर्स तोड़ना है ना, इधर से भी फोर्स लगेगा। दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। मैं कह रहा हूँ कि देख, मैंने तुझे समझाया कि न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है जो कि जेड इफेक्टिव है। यस सर। अब मुझे तोड़ना है जेड इफेक्टिव, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, सही है? अब इसमें गैसेस आइसोलेटेड एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने सॉलिड ले लिया तो इसी के पास एक और न्यूक्लियस रहेगा, वो भी इस पे फोर्स लगाने लग जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो हम चाहते हैं सिर्फ जेड इफेक्टिव तोड़े, तो हमें क्या चाहिए, गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो ये क्या है, ये देखो सेकंड, ए एटम है उससे ए प्लस बना रहे अपन,
और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, सही है। इसमें जो एनर्जी लग रही है वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है ये? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। यदि मान लो मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। सही बात है। और मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगी? IE3। बोलोगे सर ये कब तक चलेगा? बस तीन तक ही चलेगा। ऐसे नहीं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल, तीन ही निकालते जनरली। क्यों निकालते बताता हूँ। देखो इनका मैग्नीट्यूड समझो, मान लो पहले 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, सही है। आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया, इसमें क्या सीन है? 10 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? नौ। फिर बन गया ये वाला, इसमें क्या सीन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है घट रहा है दर, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हो? घट रहा है। घट कैसे रहा है? पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 10 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बताओ? 10 और 8 इलेक्ट्रॉन वाले में। और सही बात है कि नहीं है बताओ? ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। भाई इस केस में तो इसलिए IE3 की वैल्यू ना किससे ज्यादा रहेगी हमेशा? IE2 से। और IE2 किससे ज्यादा रहेगा? IE1 से हमेशा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रीजन क्या है? वही जेड इफेक्टिव को तोड़ना है तो अब फोर्स बढ़ती जाएगी। समझे कि नहीं समझे सब? तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है? हमेशा ज्यादा रहती है। सबको समझ में आया? यस सर। लिखो हो गया सर। हो गया भाई सबका? नो सर, एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो। सर कल का जो पेपर है उसमें पूरा सिलेबस आएगा? हाँ। ओके सर। तो तुम बाद में दे लेना दीपांशु, तुम भी दे लेना पेपर बाद में, एनकेसी देने के बाद। ओके सर मैं दे दूंगा बाद में, चाहे तो कल दे परसों दे देना, ठीक है। पर दोनों लोग नेहा मैडम को फोन जरूर करके बता देना मैडम हमें पेपर देना है, ठीक है? ओके सर। बोल दिया उनसे, उनको बिना बताए मत देना क्योंकि वो खुलेगा नहीं पेपर। तो मैं जब भी देना हो बता देना उनको बस, बाकी लोग तो टाइम से दे ही सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होंगे इंस्टीट्यूट में मोस्ट प्रोबेबली। हाँ पेपर तो आपके इंस्टीट्यूट में होगा, सब्जेक्टिव तो अब आगे। सर वैसे भी हरियाणा गवर्नमेंट की तो गाइडलाइंस आई गई है कि 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए जाए से, खोल दिए जाए, और 9th और 11th के 21 भी हो दो। क्या इंस्टीट्यूट भी खोल दो? हाँ खोलेंगे,
पहले ट्वेल्थ को बुलाएंगे फिर तुमको बुलाएंगे, जल्द ही हम भी खोलेंगे। सर लिखने की आदत तो हम भूल ही गए हैं, अभी घूंसे मार मार के लिखवाऊंगा ना यहाँ बुला के। सही आदर्श। हाँ सर इस तरीके से निखिल सुधर जाएगा। अच्छा निखिल देख रहा है फिर तुम्हें तो फिर वो देने पड़ेंगे क्या बोलते हैं कोड़े, 200 कोड़ों की सजा यदि निखिल के लिए घुसे हैं तो। है आदर्श सर ऐसे तो आतंकवादी के साथ भी नहीं करते। तो तुम्हारे लिए तो बढ़िया हो गया आदर्श, तुम लिखना ही भूल गए तो पहले कौन सा आता था तुम्हें लिखना, पहले भी तो गंदा ही लिखते थे तुम। इट डजंट मैटर लिखना नहीं आता है खराब लिखना। सर अब स्पीड भी कम हो गई होगी ना। अच्छा गंदा और स्पीड कम। हाँ सर थोड़ी स्पीड तो कम हुई है ये तो मैं भी मानता हूँ, घर बैठे बैठे टाइपिंग स्पीड तेज हो गई है सर। हाँ टाइपिंग स्पीड सब धसाधस तेज हो गई है एकदम। सही है सर, मेरी तो लिखने की भी स्पीड वैसी है, हमारे तो सर सब्जेक्टिव पेपर ही होते हैं। स्कूल में जाके ही? नहीं सर घर पे पेपर कर लेते हैं फिर पीडीएफ बना के मेल कर देते हैं। अच्छा। बेकार सिस्टम। सर हमारे में तो ऐसा है एक हर क्वेश्चन में ना फाइल अटैच करनी होती है सर, तो हम क्लिक फोटो क्लिक करके भेजते हैं ना तो वो अटैच तो हो जाती है पर पेपर फिर से शुरू हो जाता है। एक बार मेरे सर 3 नंबर आए थे जबकि मैंने पूरा पेपर किया था। हो गया सर ये दीपांशु हो गया। हाँ हो गया। हाँ तो बोल ना। बोला था यार मैं 2 मिनट पहले। चलो अच्छा अब देखते हैं अलोंग द पीरियड क्या होता है। तो देखो आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा था ना अलोंग द पीरियड। यस सर। तो आयोनाइज एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। एक्स जेड इफेक्टिव। ओए बे उल्टा करवा दिया, फोर्स बढ़ रहा है बे। हाँ तो ज्यादा लगेगा ना फोर्स तो फिर एनर्जी ज्यादा लगेगी ना तोड़ने में। गलत करा देता। सही है। हाँ सर। अरे बोलो आया ना भाई। देखो आप बोल रहे हो फोर्स बढ़ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, यदि फोर्स बढ़ रहा है तो फिर उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी ना। हाँ सर। अच्छा अलोंग अलोंग ग्रुप क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो कि आपका इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है, सही बात है ऐसे, तो आयनाइज एनर्जी क्या हो जाएगी? दूर जा रहा है ना न्यूक्लियस से, कम लगानी पड़ेगी फोर्स एनर्जी। सही है, ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेटल की डेफिनेशन क्या है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है? देना है। देना है। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी बताओ? कम। कैसे? आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। हाँ तो खुद सोच, मतलब कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। हाँ तो ज्यादा रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या रहेगी? ज्यादा होगी। तो फिर मेटालिक करेक्टर कैसा रहेगा? ज्यादा होगा। हाँ तो देखो यहाँ से पता चलता है, अब आपने जो रटा था कि जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है ना। हाँ सर। क्यों होता है? क्योंकि अलोंग द पीरियड जाने पे क्या बढ़ जाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम। कम। तो मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब जो आप ग्रुप में नीचे जाते हो ऊपर से नीचे तो क्या घट जाती है देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? सही बात है।
और ये सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो आयरस एनर्जी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? ज्यादा देखो आयरस एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। हाँ। तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। हाँ सर, समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर, समझ में आया। छापो, छाप भी लिया। समझ में आया मेटेलिक कैरेक्टर वाला? यस सर। तो आपके एनसीईआरटी में सीधा दे रखा है, उसका रीजन बताया मैंने आपको। यस सर। कितने बच्चे? सर डन। हाँ जी, हो गया? बोलो भाई। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब पढ़ाते आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कुछ नया है। तो अब क्या होता है, ये क्या होता है? इट इज दी एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए गैसियस आइसोलेटेड एटम। मतलब क्या है? देखो, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना किसी एटम में, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब सुनो, क्यों रिलीज होगी इसका बताएंगे। मतलब मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड होने से वो स्टेबल हो गया। कैसा हो गया वो? स्टेबल, तो एनर्जी रिलीज होती है। यदि वो स्टेबल नहीं हो रहा तो हो सकता है एनर्जी रिलीज ना हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा रहेगी ना, समझ रहे हो आप, उतनी ज्यादा क्या टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन लेने की, समझे आप? तो यह आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो। यस सर। एक बार दोबारा बताना। मैं बताता हूँ, देखो सुनो। न्यूक्लियस है ना, इसके पास हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ये ऐड, तो जितना स्टेबल तरीके से ऐड होगा, स्टेबल मतलब यदि ये आने के बाद स्टेबल हो गया, ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब मान लो किसी केस में एनर्जी जीरो रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो एटम नहीं चाहता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो। जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है क्या पॉसिबल? नहीं सर। तो उन केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी,
सही है? हाँ सर। अब देखो सुनो सुनो, मान लो कि मैं इसका कैसे देखेंगे, इसका साइज से रिलेशन निकाल लेंगे। वो झूला देखा है आपने, जो जो बीच में रहता है ऐसे घूमता है, कुर्सियां होती है ऐसे, बोलता है उसको? हाँ देखिए सर, वो मूविंग चेयर टाइप है ना, चेयर बैठ ऐसे यहाँ पे चेयर लगी होती है, घूमता रहता है खट 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 खट, देखा है? सही है। तो मान लो मैंने आपको ऐसे हवा में उठा रखा है, ठीक है, और उस झूले की रेडियस है मान लो 10 मीटर, कितनी है? 10 मीटर। मुझे आपको फेंकना है ऐसे और आपको यहाँ इसमें सेट करना है, एक केस ये है, सही है? हाँ सर। दूसरा केस है उस झूले के रेडियस से 2 किलोमीटर, कितनी है? 2 किलोमीटर। मुझे आपने ऐसे, मैंने आपको ऐसे पकड़ा और फेंक के आपको सेट करना है, किस केस में आप स्टेबल तरीके से ऐड हो गए बताओ? 10 मीटर वाले में। 10 मीटर, 2 किलोमीटर में तो पक्का मरोगे यार। नहीं समझे? झूले वाला एग्जाम्पल समझे? नहीं समझे बताओ? समझ गए सर, फेंक के देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श? आदर्श तेरा कहाँ है? यही है, बोल नहीं रहा है। अरे आदर्श, झूले वाला एग्जाम्पल समझ में आया क्या? यस सर। यार ये तो गुस्सा हो गया। ठीक है, आदर्श को नहीं फेंकते, किसी और को फेंक लेते हैं। कौन हल्का है? दीपांशु सही है, बहुत हल्का है, है ना? सही है दीपांशु। तो मैं आपसे कह रहा हूं जितना पास न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना स्टेबल तरीके से ऐड होगा, क्योंकि उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना उसपे। हाँ सर। अब मान लो एक न्यूक्लियस है, आपने इसके 10 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो उसको पता भी नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, तो क्या उसकी केयर करेगा न्यूक्लियस? नहीं करेगा, छोड़ देगा। नो सर। समझे समझे सब लोग? अच्छा यदि आप ये समझे तो देखो, अलोंग द पीरियड बताओ बेटा, अलोंग द पीरियड साइज कैसा होता है? सेम डिक्रीज। अरे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज। बोलो अलोंग द ग्रुप बोल बेटा। कम होता है साइज। साइज कम होता है? नहीं, बढ़ता है यार। साइज बढ़ता है, शेल ऐड होती है। कंफ्यूज करा दिया इसने वांट्स पिटेगा यार। मैं तो पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज छोटा होता है, सही है? और नीचे जाने पे शेल ऐड होती है तो साइज बढ़ता है। अब साइज घट रहा है पीरियड में तो एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि तो जितना पास ऐड होगा उतना फायदा है, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज बताओ भाई, चमका कि नहीं चमका? सर चमक गया, आधा चमका अभी मेरे को, अभी रुक जाओ सर। चलो ठीक है, सोच लो अच्छे से। झूले वाला एग्जांपल याद कर लो इसके लिए। नहीं सर, इसको ना मैं जेड इफेक्टिव से रिलेट करके देख रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला ना दैट रिवर्स है। हाँ, तो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है, तो और अच्छे से स्टेबल तरीके से ऐड होगा। ठीक है सर, ऐसे भी देख सकता है, पर साइज से ज्यादा अच्छे से रिलेट हो रहा है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जेड इफेक्टिव के? यार जेड इफेक्टिव को मैंने ग्रुप में नहीं पढ़ाया ना, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कर तो सकते हैं। मैंने पीरियड पीरियड में पढ़ाया ना ये, क्योंकि सर अगर आप ऐसे देखो ना, क्योंकि साइज का अगर आप जेड इफेक्टिव से करो तो जैसे जेड इफेक्टिव होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी। हाँ, पर जेड इफेक्टिव से रिलेट मत कर, क्योंकि मैंने उसको अलोंग द पीरियड ही सिखाया, तुझे डाउन द ग्रुप नहीं सिखाया। सही है, सर हो गया। अच्छा देखो, अब आपको एक मजेदार चीज सिखाते हैं यहाँ पर। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या रहेगी? ज्यादा। हाँ।
इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दबा के एनर्जी निकल रही है, खुशी की बात है। मतलब दबा के एनर्जी निकलने का मतलब क्या है, उतना ही हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। मतलब एटम चाहता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, सही बात है। अब देखो आपको पता है नॉन मेटेलिक करेक्टर एक चीज होती है। हाँ सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप बात करोगे, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी भी बढ़ रही है, तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। सही है। अब देखो आप अलोंग दी पीरियड क्या हो रही है, एफिनिटी बढ़ रही है। हाँ सर। और अलोंग दी पीरियड ही तो क्या बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। रहता था ना सीधा, राज पता चल गया। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज डिक्रीज होता है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो जो हमने डायरेक्ट रटा था ना, उसका रीजन ये है आदमी। सर एक बार दोबारा समझा। देख भाई मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा है, मतलब जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो मजा आ रहा है। मजा कैसे आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम हमारा क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। सही बात है भाई। यस सर। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन लेना काम है नॉन मेटल्स का। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा। सही है। यस। अब देख अलोंग दी पीरियड क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक। और डाउन दी ग्रुप घट रही है। यस डिक्रीज होएगा नॉन मेटेलिक। आया कि नहीं आया मजा? यस। अरे समझ में आया कुछ, राज की बात ये कैसे पता चली? यस सर। जो आपने डायरेक्ट रटा था एनसीईआरटी में उसका वो दे दिया मैंने आपको। क्या बोलते उसको, रीजन? तो ये सब पढ़ के अच्छा लग रहा है, फिर ऐसे ही बकवास लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, 10th से ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो तुमने कारण Yes, sir. बस ऐसा लग रहा है, दे दिया बस रट के याद कर लो, ले आना पेपर। यही बात दिक्कत होती है 10th क्लास में, पर इसको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा चलो थोड़ा पता तो चला, फील आ रही है। हाँ अच्छा लगता है ना कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, कैसे होता है क्या होता है। सही बात है। खुशी हो रही है सर देवांश को। हाँ भाई हो रही है, तेरे को प्रॉब्लम है क्या? तेरे को मैक हो रही है ना बस। खुशी मिलती है सर। देवांश को बहकी बहकी बातें, क्या हो गया फिर इसको? अरे सर कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है, कुछ भी बोलते रहे। मुझे उसका शक हो रहा है, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। गड़बड़ तो बहुत है, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है सर? खुशी है कौन तेरी? अब पूछ भी रहा है, पर क्या भी रहा है। ये आदर्स भाई आगे निकल गया, तुम लोगों से बता रहा हूँ। उस दिन से सबसे पहले यही बोल रहा था ना सर, रॉयल स्टैग का सैनिटाइजर आ गया। देखो सर हम तो सुधरे हुए बच्चे हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यही बीच में आड़े अड़ंगा डाल रहा था, यही थाइल अल्कोहल डाल रहा बीच में है। हाँ सर मैं प्रैक्टिकल जानता हूँ भाई। सही है। चलो ये हो गया, एक चीज और पढ़ानी है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ाएंगे बस, ठीक है? यस सर। एक प्रॉपर्टी और बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सही है। तो ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर। देखो क्या होता है, आप सबको कोवेलेंट बॉन्ड पता है ना, HCl वाला। यस सर। ऐसे होता है, सबने पढ़ा है। हाँ सर। ऐसे देखो, सही है। और देखो जो पेयर ना शेयर होता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको?
बॉन्ड पेयर, और जो अकेला बचा रहता है इसको बोलते हैं लोन पेयर, बोलते हैं इसको लोन पेयर। अब देखो एच है बेटा और सी एल है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, सही बात है, लेकिन एक बताओ इसके अंदर एच के अंदर कितना प्रोटोन है? एक। और क्लोरीन के अंदर कितना प्रोटोन है? 17। तो एक बार बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन बीच में रखा रहेगा या क्लोरीन को अपनी तरफ बुलाएगा? नहीं, खींच लेगा, क्लोरीन बुलाएगा। तो खींच लेगा तो हम ऐसे बनाते हैं, देखो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि जस्ट खींचा है, लिया नहीं है। जब अपन ऐसे लिखते हैं क्लोरीन माइनस वन, इसका मतलब क्या है क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सही है। डेल्टा का मतलब है सिर्फ बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ क्या कर लिया है, पास रखा हुआ बस। तो ये जो टेंडेंसी है अपनी तरफ पास बुलाने की, ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब इसको देख लेते हैं, देखो जितना ज्यादा जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगा। क्यों? साइज छोटा मतलब मेरा साइज छोटा और मेरे बगल में ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रखा हुआ है, खींच लूंगा। यस सर। अब मान लो मेरा साइज बड़ा है बहुत, बॉन्ड पेयर यहाँ रखा हुआ है, तो खींचने में क्या आएगी, दिक्कत होगी? बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी सर, कम हो जाएगी सर। हाँ जी बेटा, क्लियर है? हाँ सर। भाई जितना छोटा एटम है तो बॉन्ड पेयर है, पास से अट्रैक्ट करेगा, जितना बड़ा है मान लो यहाँ न्यूक्लियस है यहाँ बॉन्ड पेयर है, तो खींचने में दिक्कत आएगी, दूर हो जाएगा, सीधी बात है, हाँ कि ना? यस सर। ये भी लिख लो। अच्छा फिर ऐसा है तो इसको अलोंग दी पीरियड, और वो भी बता दो मुझे अलोंग दी पीरियड क्या होगा। ये तो साइज छोटा कहाँ होता है अलोंग दी पीरियड? हाँ सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और अलोंग दी ग्रुप घट जाएगी, ठीक है? घट हो गया सर। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आज इतना पढ़ाएंगे। अब मैंने आपको पीरियड टेबल का जो बिल्कुल बेस है ना, वो मैंने वो प्रिडिक्ट करना तो सिखा रखा ना, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक। यस सर। तो अभी आपका पीरियड टेबल ठीक ठाक, और हिस्ट्री तो आपको आती है डोबनेर्स न्यूलैंड ओलैंड वही ना सब? हाँ सर। ठीक है, अब अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे सोच के रखूंगा मैं क्लास से पहले, ठीक है? आपको क्या पढ़ाऊंगा अगली क्लास में सोच के रखूंगा, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी बेस। हाँ, नोमन क्लेचर पढ़ेंगे यार, थोड़ा एडवांस पढ़ते नोमन क्लेचर में, सही नहीं है? हाँ सर, बढ़िया है। नोमन क्लेचर को थोड़ा और पक्का करते हैं आपके को, जो ग्यारहवीं टाइप का हो जाए, ठीक है? नोमन क्लेचर पढ़ सकते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप का नोमन क्लेचर पढ़ेंगे, सही है? हाँ सर। हाँ। जैसे जो आइसोमर बनाते हैं तो फिर जो उसमें नॉर्मल आइसोमर होता है तो सर उसकी नेमिंग सर कैसे होती है, समझ नहीं आया? जैसे आइसो आइसोब्यूटेन ऐसे नहीं होता? हाँ होता है, मैं बता देता हूँ। नियोब्यूटेन बता रहा हूँ। आइसो का मतलब होता है बेटा ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप कहीं पे जुड़ा हो ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं आइसो, ठीक है? नियो ये ग्रुप होता है, जैसे मैं बताता हूं, मान ले कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इसमें तुझे पहली बात तो इसका आयुपैक नाम क्या है, एक जो तू बता रहा है वो भी ऐसे बोल सकते, देख इसको क्या बोल सकता हूं, 2,2-dimethyl propane, सही है? हाँ सर।
टू टू डाइमिथाइल, लेकिन देख ये पूरा ग्रुप क्या है, नियो है, सही है, तो इसको लिख सकते हैं नियो, और कार्बन कितने हैं, पांच, सही है, हाँ सर, तो पेंटेन, इसको नियो पेंटेन भी लिख सकते हैं, समझे क्या, नाम शॉर्ट करने के लिए, हाँ, पर ये ग्रुप आ रहा है तो लिख सकते हैं, मान ले एक कार्बन और बढ़ा दे तो क्या लिख देंगे, नियो हेक्सेन, एक कार्बन और बढ़ा दे तो क्या लिख देंगे, नियो हेप्टेन, समझ रहे हो, यस, ऐसे मान ले जैसे ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या देंगे, वैसे तो इसका नाम होगा 2-methyl ब्यूटेन, लेकिन यदि शॉर्टकट में नाम लिखना है ना बेटा, तो ये ग्रुप आइसो दिख रहा है, हाँ सर, आइसो सारे कार्बन गिन ले, आइसो पेंटेन, मैं बिल्कुल समझा, यस सर, और बता, एक कहीं पे एन भी लिखा होता है, एन, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये सीधी चेन, नॉर्मल पेंटेन लिखा है तो मतलब ये है सीधी सीधी चेन, समझ रहा है, यस सर, और कुछ, नो सर, थैंक यू सर, अगले क्लास